तुम्हारे रंग में, तुम्हारे रंग में उतरा हुआ हूँ। कहीं धुंधला कहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। बहराइच के बारे में जानकारी देने के लिए हमारी सीरीज चल रही है। इसी के अंतर्गत हमारे प्रदीप जी ने कहा कि आप बहराइच की किसी महान हस्ती से मिलाएं या पुराने लोगों से, क्योंकि बात इतिहास की चल रही है, ज्ञान ध्यान की चल रही है और हम लोगों की आयु अभी बहुत कम है। पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान लोग बड़ों से ही लेते हैं, जो जानकारी हमें नहीं होती है वो हमारे बड़े बुजुर्ग ही देते हैं। और इसी क्रम में हम आ जाएँ बहराइच की महान विभूति, जो कि काफ़ी सम्मानित अध्यापक भी रहे हैं हमारे यहाँ बहराइच के बहुत पुराने कॉलेजों में, गांधी इंटर कॉलेज है। इसके अतिरिक्त चूँकि महान कवि रहे हैं, और मैं बताता हूँ कि वो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं बाबूजी श्री राधा कृष्ण पथिक जी, और इनको प्रणाम करता हूँ। और कुछ जानकारी हम चाहते हैं कि बाबूजी हमारे साथ में साझा करें, तो सबसे पहले बाबूजी को देखिए। पथिक जी, बाबूजी प्रणाम। प्रणाम जी। और आप बताइए कि आप बहराइच शहर में, मतलब हमारी तो जन्म से पहले ही, कब से निवास कर रहे हैं? हम बहराइच में सन 1960 में आए थे जी, फिर 61 में फिर चले गए जी, फिर 61 में दहानेपुर में हम वहाँ टीचर रहे, फिर उसके बाद 62 में लौट करके आए तो गांधी इंटर कॉलेज में, LT गेट तक था, उसी में फिर हम अध्यापक हुए। फिर 2001 में हमारा रिटायरमेंट हुआ जी। 1962 से 2001 तक हमने सेवा की। और बाबूजी आपकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई? अब प्राथमिक शिक्षा देखिए, हमारे पिताजी बहुत ही विद्वान थे, संस्कृत के बड़े आचार्य थे, वो उनका अपॉइंटमेंट तो हुआ पहले बस्ती में, फिर ट्रांसफ़र हो गया फैजाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज में, वो संस्कृत के लेक्चरर थे। हमारा जन्म वही फैजाबाद में ही हुआ जी। और प्राथमिक शिक्षा भी हमारी राजकीय इंटर कॉलेज की है जी। तब थर्ड से यानी तीसरी कक्षा से जी, पढ़ाई होती थी, प्राइमरी की परीक्षा अपने घर में अपना पहला दूसरा पढ़ो, और फिर वो राजकीय इंटर कॉलेज में ही, और सब अंग्रेजी में था। अच्छा। संस्कृत भी हिंदी भी जो कुछ भी था वो पढ़ाई करो अंग्रेजी में, तो एक ऐसे, और आप जान लीजिए कि अंग्रेजों का शासन था ही जी, इंग्लिश पीरियड था, तो वहाँ से थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैंने वहाँ पढ़ा। फिर हमारे पिताजी को अवकाश प्राप्त तो हम लोग चले आए एक बार रामपुर, हमारा जो नेटिव लैंड था वो बलरामपुर था, बलरामपुर चले आए। फिर बलरामपुर में एक लायल कॉलेजिएट LC स्कूल कहलाता था जी, उसमें हमने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ली। जब हम हाई स्कूल में थे तभी उसका नाम बदल गया था जी, तो महाराजा साहब के नाम पर हो गया था, तो अब तो वही नाम चल रहा है, महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह MPP इंटर कॉलेज, लेकिन वो पहले लैल कॉलेज ये ही था। तो मैं इसे इंटरमीडिएट किया फिर, और ग्रेजुएशन वहाँ MLK कॉलेज से कर लिया, वहीं से BEd भी कर लिया, तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी थी उसी के अधीन सब किया हम लोगों ने। पहले तो आगरा विश्वविद्यालय था, फिर गोरखपुर हो गया, अब तो खैर दूसरा हो गया, अवध हो गया, अवध विश्वविद्यालय, उसी में अपना सबसे अच्छा जीवन हमारा बलरामपुर का ही था जी, जहाँ मैंने अपना जो शैक्षिक जो डिग्रियाँ हैं वो तो हमने प्राप्त ही की, साथ वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे साहित्यकार थे, बाबू नानक चंद्र शरत, बाबू जगन्नाथ प्रसाद, पी पयाम, ऐसे बड़े अच्छे बड़े मूर्धन्य, तो
तो हमारे एक आचार्य थे, हमारे मोहल्ले में रहते थे, हमें हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे, पंडित राम प्रकट मणि अनन्य। तो अनन्य जी प्रसाद जी की मित्र मंडली में से थे जी। इतने भाग्यशाली थे वे। तो वो हमारे आचार्य थे, वो बड़े अच्छे कवि भी थे जी। तो उन्होंने हमें कविता सिखाई और काव्य के रास्ते पर ले चले वही और बढ़ाए बाबू जगन्नाथ प्रसाद जी ने जी। तो इस तरह से हम दोनों आचार्यों के आज तक बहुत, और मेरा जो पथिक उपनाम है ये भी मेरे गुरु आज ने ही रखा था, राम प्रकट मणि अनन्य जी ने जी। तो मैंने गुरु को आशीर्वाद मान करके ये नाम अपने साथ रखा हमेशा। तो ये है, हालांकि अब तो स्थिति यह है कि इस नाम की कोई आवश्यकता नहीं थी, राधा कृष्ण शुक्ल ही पर्याप्त था जी, जी। उससे कोई प्राप्ति नहीं थी, लेकिन पथिक जी के नाम से तभी से मैं वो नाम मैंने धारण किया उनके आशीर्वाद के स्वरूप। तो मतलब कविता और ये अध्यात्म ये सब जन्मजात गुण होता है व्यक्ति का, किंतु कोई परिष्कृत और परमार्जित करता है। देखिए अध्यात्म तो ऐसा है, आपने बड़ी अच्छी बात कही, अध्यात्म तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि मैं 14-15 वर्ष का था जी। तभी कुछ आध्यात्मिक चेतना मुझ में जागृत हुई थी जी। तो हमारे माता पिता बहुत चौंके जी, फैजाबाद में ही। तो चौंके तो उन्होंने कहा कि इसकी जल्दी शादी कर दो, नहीं तो ये तो साधु हो जाएगा, हमारा एकमात्र लड़का है जी। तो समझ लीजिए मैं 15 वर्ष का था जी, तभी मेरा विवाह कर दिया गया। मेरी पत्नी का नाम था माया देवी जी। तो मेरा विवाह 15 साल की अवस्था में ही हो गया। अब उनका निधन इधर आकर, वो 74 वर्ष की थी, तो इधर आकर 2014 में उनका निधन हो गया। बस और क्या, मस्ती है, जीवन है। इसलिए संगति से, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों की संगति में, कविता की संगति, मैं इस मामले में इतना भाग्यशाली रहा जी। कि आधा हिंदुस्तान तो मैंने कविता को लेकर घूमा ही जी। कवि सम्मेलन कभी, और कोई ऐसा कवि नहीं है, चाहे नीरज हो, चाहे सोम ठाकुर जी हो, चाहे भारत भूषण जी हो, किशन सरोज हो, आपके बेकल उत्साही साहब हमारे बलरामपुर के ही थे, वो थे, और बाहर के लोगों में